आपका ये जॉनर है जो बहुत ही बेहतरीन है और इसमें आपने बहुत मतलब कमाल किए हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार, तो यही टॉपिक क्यों पानीपत? पहले तो पानीपत के बारे में, एक तो शहर का नाम और उसके साथ जुड़े हुए तीन लड़ाइयाँ, जिसमें पहली दो लड़ाइयाँ ये हमें ऊपर ऊपर से पता है, दूसरी लड़ाई तो मैंने जोधाकर में दिखाई थी, तीसरी लड़ाई के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और हम कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे क्योंकि वो एक हारी हुई लड़ाई है और मेरे मन में भी यही था। लेकिन कुछ 5-6 साल हो गए जब से मैं इसके बारे में पढ़ना मेरा शुरू हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें बहुत ही इंस्पायरिंग ये कहानी है शौर्य की, और किस तरह से सदाशिवराव राव पेशवा, इसने मराठा आर्मी पूरी लीड की एक आक्रमण को रोकने के लिए जो अहमद शाह अब्दाली ने किया था, और ये करने में किस तरह से पूरा एक्सपीडिशन हुआ, ये मुझे बहुत ही कमाल का लगा। और फिर मैं सोचने लगा कि अगर मौका मिले तो इस पर फिल्म ज़रूर बननी चाहिए, बिकॉज ये एस्पेक्ट हमको इस लड़ाई का कभी स्कूल की किताबों में देखने नहीं मिला, एंड फॉर ऑडियंसेस टुडेज जनरेशन इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट आर द सैक्रिफाइसेस ऑफ दीज मराठा वॉरियर्स डन इन 1761 एंड देन हियर वी आर। क्या कुछ रिसर्च करी इसके बारे में, कहाँ से कितना क्या पढ़ा और क्या ब्रीफ दिया एक्टर्स को कि ऐसा ऐसा किरदार होना चाहिए, आपको ऐसे ही प्ले करना है, सो व्हाट वाज दैट? तो रिसर्च तो मैं जब भी रिसर्च करता हूँ मैं इतिहास में ही सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, मैं नॉवेल्स में इतना बिलीव नहीं करता हूँ बिकॉज नॉवेल्स आर ऑल फिक्शन, और जब मैं भी एक फिक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ विच इज़ कम्बाइंड विद फैक्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट माई फैक्ट शुड बी करेक्ट, एंड इसलिए शेजवालकर साहब का जो इतिहास पूरा जो उन्होंने लिखा हुआ है इसको कॉल्ड पानीपत 1761 उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज ये 1946 में लिखा गया था, सबसे पुराना है, दिस इज़ द मेन सोर्स फॉर एनी इन्फॉर्मेशन हियर। तो वो पढ़ के उसमें से एब्जॉर्ब एक स्क्रीन प्ले एक्सट्रैक्ट किया है। स्क्रीन प्ले बनाते वक्त अगर आप उस इतिहास पे फोकस करें तो 12-15 घंटे की फिल्म बनेगी, इतना उसमें मटेरियल है, इतना कंटेंट है। लेकिन जाहिर है कि हमको इतनी, मेरी तो लंबी फिल्में होती हैं पर ये वाली लंबी नहीं है, ये छोटी है, 3 घंटे के अंदर उसको पूरा समेटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज ये सोचना कि क्या रखना है फिल्म में क्या नहीं रखना है उसी को 1.5 साल लग गए। सो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस जो हमको करना पड़ा एज राइटिंग टीम, बट वी हैव ट्राइड टू कीप इट एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल, जितना रियलिज्म के नज़दीक रहे उतना उतनी कोशिश की। कृति और अर्जुन से सवाल पूछे तो कितना कैरेक्टर में घुसना मुश्किल था आप लोगों के लिए? सुनने में आता है कि सर जब सेट्स पे होते हैं तो बहुत ज्यादा मतलब आर्टिस्ट को ब्रीफ देते हैं, तो आपको क्या ब्रीफ था ही करने से पहले, रोल करने से पहले क्या चैलेंजेस आपने फेस किया और क्या प्रिपरेशन की? आई थिंक इट्स गुड कि वो इतने माइन्यूट डिटेल्स आपको देते हैं, बिकॉज एज एन एक्टर एक हिस्टोरिकल ड्रामा या एक ट्रू स्टोरी पे यू रिलाय लॉट ऑन द रिसर्च, अगर मैं भी रिसर्च करने लगूं तो उनकी रिसर्च और मेरी रिसर्च क्लैश करना चालू करेगी, आई हैव टू अलाइन विद हिज रिसर्च हिज विजन टू टेल द स्टोरी। एक कहानी कई तरीकों से बोली जाती और उसके इंटरप्रिटेशन होते, पहली बात तो उनको समझना और जिस तरह वो समझाते हैं एकदम धैर्य से, ये कभी नहीं था कि ऐसे ही करना है, वो लॉजिक देते हैं, देखिए बहुत लॉजिकल आदमी, ही विल गिव यू अ रीजन बिहाइंड व्हाई द कैरेक्टर वाज लाइक दिस शुड बी लाइक दिस या इनका रिएक्शन उस समय पर ऐसा होना चाहिए, तो ही गिव्स यू इनफ मटेरियल टू थिंक अबाउट, ऐसा नहीं कि आके खड़े हो लेफ्ट साइड पे देखो और उदासी वाला रिएक्शन उनका विजन वही है कि यार इस समय सदाशिव राव भाव पे ये बीती थी, अब तुम अपने तरीके से विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड बिकमिंग एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द कैरेक्टर इसे प्रस्तुत कर और फिर वील टेक इट फ्रॉम देयर। सो आई थिंक दैट डिटेल इज इम्पॉर्टेंट, उसके बिना तो एक्टर अधूरा है, बिकॉज मैं अर्जुन कपूर के तौर पे आके कर सकता हूँ सदाशिव राव भाव के कपड़े पहनकर, बट दैट डिटेल इज वॉट मेक्स इट ऑथेंटिक। आई एंजॉयड इट, आई लव द फैक्ट दैट ही इज सो इन्वॉल्व्ड इन योर परफॉर्मेंस, आई ऑल्सो लव द फैक्ट दैट एक्टर होने के बावजूद वो आपको मौका देते हैं कि आप अपने तरीके से करके उनको प्रस्तुत करो, एंड देन ही डिसाइड्स व्हाट ही लाइक्स, ही विल टेल यू व्हाट टू ट्वीक, एंड समटाइम्स ही आल्सो लाइक्स व्हेन यू गो अगेंस्ट व्हाट ही हैज सेड एंड डू समथिंग एंड ही सेज बट आई लाइक व्हाट यू डिड, लेट्स होल्ड ऑन टू दैट आल्सो। तो मुझे बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। सेम एब्सोल्युटली, एंड यू आर राइट दैट ही पेज अटेंशन टू एवरी स्मॉल डिटेल, लाइक मर्द मराठा इज अ सॉन्ग वेयर there are so many people, so many things happening, but he will notice one flag not moving right yeah. at the back. Yes. So that is amazing, you know, to have that ability. And his briefs are also very, very,
mostly very precise and so precise that galat jana mushkil hota hai usko, you know, like which you would have not even thought of, yeah. Which I've said before one instance in Martha Maratha song only, there's a line that I'm saying to Sadashiv, lip syncing to Sadashiv, where he came and he just told me, you know, is line pe na, give me that smile that makes me feel that you've known him for a very long time. And that was such a beautiful poetic description, which made it very easy for me to play that. But at the same time, I mean, I had this perception of him before that he will be like very strict, or he'll say ki nahi yehi karo, ye nahi karo. Task master sabko lagta to honge, but yeah, which he's not, you know, like. Ya to shayad the aur hamare liye badal gaye, ye batao. And he's so easy to talk to, and I used to always go and tell him that mujhe, you know, asal mein ye wala jo hai wo aise karu ya aise karu, and he'll say, you know, do it for me, and then he'll tell me. And there are times when you can really have a conversation and he'll also by that time start believing that you are Parvati Bhai, and what you're saying as Parvati Bhai is also right, you know. And I remember that there was one scene, yeah. Where I was feeling that if Parvati is standing away in this scene, to wo dur se ye dekhti nahi rahegi, matlab Parvati aisi hai ki wo aayegi aage. And I told him, and he literally felt that yeah, Parvati will not stay away, and he changed a lot of things in the scene. So he's also someone who really involves you in, and you know, gives you that liberty of flowing as your character, and not, he doesn't keep you restricted, which is great. It's so great. And he compliments you when you do a good job. I don't think I've ever received so many compliments in my entire career that I've received on this set. So मैं तो अपने आप को हर रात को सोता था, वाह क्या एक्टर हूँ मैं यार. वाह, नहीं बात तो मेरे में जबरदस्त होगी. देखो है वो है. हाँ नहीं, but I'm saying, you know, normally we try and keep working hard, but he gives you a feeling of reward by just saying, यार सदाशिव, that what you did in that take, I'm going to use from there, and what you did here in that. The man is watching you with precision and giving you feedback real time and saying he knows exactly वो आपका कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से आपको प्रस्तुत करेंगे. तो it makes you feel like एक चीज है, अभी since we are talking about moments, सूरजमल जाट किरदार से मैं जब पहली बार मिलने जाता हूँ, अंत में हमारी थोड़ी बातचीत होती है और फिर अंत में वो मेरी बात समझते हैं और मैं उनकी बात समझता हूँ. सदाशिवराव भाव थोड़े से स्टबर्न आदमी थे, उनका एक तरीका होता था कि ठीक है हम आपकी बात समझते हैं और हम ये करेंगे. अंत में ना जब वो मेरी बात मानते हैं, मैंने बस इतना कर दिया था, वो ना लिखा था ना बोला था ना सुना था, बस हो गया. एंड ही सेड, यू नो, दैट इज व्हाट आई लव अबाउट सदाशिव. तो ही लव दैट वन मोमेंट एंड देन ही सेड, यू नो, वी मस्ट यूज दिस. और आई थिंक दैट वाज वन प्लेस वेयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूट इट हैपेंड. लव द फैक्ट दैट आई डिड दिस, इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग आई डिड. बट ये नहीं कि यार सदाशिव ऐसा नहीं करेगा, तू ऐसे ही खड़े रहे और बस आग से करते. ही लव्ड इट एंड ही इज केप्ट इट इन द फिल्म. तो हु वुडंट वांट टू वर्क फॉर अ डायरेक्टर दैट इज सो ओपन एंड येट सो क्लियर. सर मूवी का जो ट्रेलर आया और गाने आए हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा है, लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक कंपैरिजन बहुत बड़े डायरेक्टर और उसकी मूवी के साथ भी हो रहा है, तो उसके बारे में मतलब कुछ आपसे दो शब्द. नहीं, जब भी कोई ऐसी फिल्म आती है जो हिस्टोरिकल जॉनर में हो या कॉमेडी में हो या एक्शन में हो, इट ऑलवेज गेट्स कंपेयर्ड टू द प्रीवियस वन. लेकिन हमारे केस में क्या है कि हमने जो पीरियड चुना है वो बाजीराव मस्तानी से 20 साल बाद का है. पहनावा जो है वो वही है, वही पेशवे हैं, वही मराठा है, वही शनिवार वाड़ा है जहाँ पे ये रहते हैं, बिकॉज 20 साल के बाद फर्क नहीं हुआ है. तो जाहिर है कि हमारे ट्रेलर में जब लोग देखेंगे तो देयर फर्स्ट इमेज इम्प्रेशन विल गो टू, जैसे मैंने जब जोधापुर बनाई ट्रेलर जब आया तो पहला कंपैरिजन इमीजिएटली हुआ था मुगले आजम के साथ. एक्चुअली हालांकि कोई कनेक्शन नहीं हो, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन था. और ऋतिक का कंपैरिजन हुआ था पृथ्वीराज जी से, जहाँ पे पृथ्वीराज जी ने जो किरदार निभाया था वो ओल्ड अकबर था, ये यंग अकबर था, लेकिन फिर भी कंपैरिजन. सो इट इज़ अ नेचुरल थिंग टू डू फॉर एनीवन टू कंपेयर. और हम इसके लिए पहले से तैयार थे, एटलीस्ट वी आर बीइंग कंपेयर्ड टू द बेस्ट. मतलब कहीं ना कहीं इस मूवी की कॉन्ट्रोवर्सी भी साथ में साथ हो रही है ट्विटर पे, कई लोग अफगानिस्तान से कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, एक परसेप्शन बना लिया कि अच्छा अब्दाली तो ऐसा दिखाया होगा, पेशवा ऐसे दिखाए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा. नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि उनको फिल्म देखनी चाहिए, और फिल्म देखेंगे तो उनके जितने सारे सवाल हैं या प्रश्न पड़े हैं या क्यूरियोसिटी है, इंट्रीग है या कुछ अग्रेशन है, उनका सबका जवाब फिल्म में है. वो देखें तो उनको इमीजिएटली रियलाइज हो जाएगा कि सब ठीक है.
नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट आपका? मैंने कहा है कि कंटेम्पररी फिल्म होगी, सिर्फ दो किरदार होंगे, एक ही दिन की कहानी होगी, तो कपड़े ज्यादा नहीं है, एक घर में होगी, एक कमरे में होगी, 18 दिन में फिल्म कंप्लीट। I really want to watch. I would love to see an 18 days hot film ka scene you shoot. Definitely. Thank you sir. Thank you for talking. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.